हे गाइस, दीपक बाइक ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं जाने वाला हूँ कटरा वैष्णो देवी माता मंदिर। तो आपको मैं बाय ट्रेन से चलूंगा और दिल्ली से जाऊंगा, तो आपको मैं बताता हूँ। पुरानी दिल्ली से ट्रेन है जम्मू एक्सप्रेस, तो आपको मैं पूरी बातचीत बताऊंगा कैसे जाना है, कितना किराया है। और मैं जनरल से जाऊंगा, मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई इसलिए मैं जाना है तो जनरल से जा रहा हूँ। तो आपको मैं पूरी बातचीत बताता रहूंगा, तो आप देखना ब्लॉग पूरा ऑनलाइन। तो गाइस, सबसे पहले मेरे को मेट्रो स्टेशन गया, वहाँ से मैंने जो मेरे नियर बाय मेट्रो स्टेशन है उद्योग नगर का, वहाँ से मैंने पुरानी दिल्ली के लिए मेट्रो पकड़ी। तो आप देख सकते हो मेट्रो आई है और अभी मैं इसी में बैठ के और जाऊँगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, और जाके वहाँ से मैं टिकट लूँगा जनरल की। उसके बाद मैं ट्रेन में जाऊँगा जो कि जम्मू मेल एक्सप्रेस है, आप देख सकते हो। फिर अब देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बिल्कुल आप देख सकते हो कितना खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप देख सकते हो ये कटरा वैष्णो देवी माता मंदिर हम पहुंच चुके हैं, और कुछ बाहर का इस तरह का व्यू है, ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग का समय, और कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो, बिल्कुल पूरा चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रखा है। बादल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप ये देखिए बादल। और ये आपको माता मंदिर दिखा देता हूँ मैं वैष्णो देवी, इसी पहाड़ों में से हमें माता वैष्णो देवी मंदिर जाना है। यही पूरे जो पहाड़ दिख रहे हैं इसी में ही हमारी माता वैष्णो देवी माता बसी हुई है। तो मैं सबसे पहले आप देख सकते हो स्टेशन पर उतरा माता वैष्णो देवी मंदिर, और ये हमारी ट्रेन है ये देखिए। तो यहाँ पे सारे ही ये ट्रेन यहाँ पे कटरा तक लास्ट है जम्मू मेल, तो माता वैष्णो देवी के लिए। और ये और स्टेशन का कुछ इस तरह का नज़ारा मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये कटरा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो माता वैष्णो देवी का, आप कितना खूबसूरत नज़ारा है मॉर्निंग का समय, कितना बढ़िया। और क्योंकि पुरानी दिल्ली से 8 बजे ये ट्रेन रवाना हुई थी और हमें यहाँ पे सुबह उतार दिया गया 8 बजे, 12 घंटे का समय लगता है। और आप देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पे, और ये एग्जिट गेट है, यहाँ से हमें बाहर जाना है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये कुछ इस तरह का, ये सामने देख सकते हो, आपको मैं व्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए जूम करके बिल्कुल माता वैष्णो देवी कटरा जो रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की यहाँ पे बाहर इस तरह सारे श्रद्धालु जितने लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ से अपनी सिम वगैरह इस जगह से आप होटल वगैरह कुछ भी यहाँ पे सब बुक कर सकते हो, और यहाँ पे अपनी 300 रुपये की सिम मिलती है, कोई भी कंपनी की सिम ले सकते हो यहाँ से। और हमें यहाँ से 300 रुपये की सिम है, और जब तक यहाँ रहोगे यूज़ करोगे, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो रास्ता है, आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो क्योंकि पैदल में ही 15-20 मिनट का रास्ता है जहाँ पर आपको एंट्री कार्ड मिलता है। तो आप देख सकते हो ये टेम्पो वगैरह भी जाते, पर आप 15-20 मिनट का रास्ता तो आप पैदल ही जाइए और आराम से घूमते हुए जाइए, आपको पता भी चलेगा कब चले गए आप। और ये मार्केट भी है इधर, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये बस स्टैंड है यहाँ पे, और जैसे इसी के सामने ही कार्ड वगैरह अवेलेबल होता है। तो आपको मैं ये मार्केट यहाँ की भी दिखा दूंगा, एक एक चीज़ आप बने रहना ब्लॉग में, बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह की आपको पूरी जानकारी दूंगा। और सबसे पहले ये भी बता दूँ, आप देख सकते हो यहाँ से, सबसे पहले आपको यहाँ से अपना जो आधार कार्ड वो ज़रूर लेके आएँ, और आधार कार्ड दिखाने के बाद आपका यहाँ पे जो कार्ड बनता है उससे ही आपको एंट्री माता वैष्णो देवी कटरा ये जाने के लिए। तो आप देख सकते हो अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे, आधार कार्ड देने के बाद यहाँ पे मेरा कार्ड बनेगा, कार्ड के बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू जाऊँगा। तो आपको मैं बता सकता हूँ अभी कार्ड लेने के बाद, ये देखिए कुछ इस तरह भीड़ भाड़ भी नहीं होती क्योंकि काफ़ी काउंटर होते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सभी ऐसे सब अपना आधार कार्ड से कार्ड लेके फिर यात्रा के लिए निकलते हैं। ये आधार कार्ड के साथ मैंने ले चुका हूँ, अब आप देख सकते हो कार्ड को, अब इसे पहनने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, ये देख सकते हो आप। तो अब मैं यहाँ से रवाना होता हूँ, और मौसम भी बहुत बढ़िया है यहाँ का, तो आप देख सकते हो अभी थोड़ा बारिश हुई, मैं साइड में रुक गया हूँ, तो अभी जब से ही थोड़ा सा कम होगा तो चलना चालू कर दूंगा मैं यात्रा के लिए। और आपको यहाँ की मार्केट वगैरह भी सब कुछ दिखा दूंगा, कितनी खूबसूरत मार्केट है यहाँ की। और आप बनाए रहना, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप होटल आए या नहीं आए, मैं किसी होटल के बारे में नहीं दिखाऊँगा, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं होटल का प्रमोशन नहीं करूँगा। ये कुछ इस तरह का यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया व्यू है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और इतना अच्छा खूबसूरत मेरे को सुबह सुबह का इतना बढ़िया। और ये जब चारों तरफ आप देख सकते हो ये माता वैष्णो देवी इसी पहाड़ों के बीच में बसी हुई हैं, और हमें इस सारे पहाड़ों से होते हुए जाना है माता वैष्णो देवी मंदिर। तो आपको मैं एक एक चीज़, वीडियो भले ही लंबी होगी पर अच्छे से जानकारी पूरी दे दूँगा। ये मेन गेट है, यहाँ से लाइन में जाके यहाँ से हमारी एंट्री होती है, जो हमें कार्ड मिला है वो हमें देख के यहाँ से
चेकिंग करके हमें आगे की ओर भेजा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से जेंट्स की लाइन उधर है और लेडीज़ की उधर है। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसमें हमें इसी लाइन में जाके हमें चेकिंग करा के फिर बाहर हमें जाना है। आप देख सकते हो कैसे सारे बड़े श्रद्धालु लोग सारे आए हुए हैं यहाँ पे, भक्त वगैरह। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार मैं आया हूँ। मैं भी अच्छे से यहाँ पे दर्शन करके जाऊँगा बहुत ही अच्छी तरह से। और ये मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो। ये यहाँ से हमें स्टार्ट करना है अंदर और यहाँ से सीधे जाना है। और आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे आपको जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं कोई भी, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे बच्चे का ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे बकरा देख सकते हो कितना खूबसूरत बकरा है। ये यहाँ पे कश्मीर का बकरा है, देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैं सबसे पहले इससे मिलवाता हूँ, हाई कैसे हो, चलो फिर चलते हैं हम। अब यहाँ से हमारी यात्रा चालू होगी। और ये आप देख सकते हो ट्रॉली वगैरह बच्चों के लिए, तो ये जो इससे भी बच्चों का यहाँ पे आप बच्चे लेके आते हो तो इसका भी उपलब्ध है यहाँ पे, अवेलेबल है ये सब, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हो आप। तो आप अपने हिसाब से बात कर लेना, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कराऊंगा। यहाँ के लोगों को कुछ हिंदी आती है नहीं भी आती है, तो आप अपने हिसाब से बजट के हिसाब से बात कर सकते हो और चल सकते हो। यहाँ पे घोड़े भी मिलते हैं, बग्घी वगैरह सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले बाणगंगा आती है, तो आपको मैं पास में जाके, क्योंकि जो नहा चुके हैं, जो पहले अपना नहा धो के फ्रेश हो गए, तो यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ पे भी नहा सकते हो जो नहीं नहाए, और नहीं तो यहाँ से अपने शरीर पे छींटे डाल के चल सकते हो आगे की ओर। तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ, तो आपको नहीं जाके पूरे अच्छे से घूमूँ, मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगा आपको। ये देख सकते हो यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह बहुत कुछ बदल दिया गया है। यहाँ नीचे नया रास्ता जो सामने आप देख सकते हो, तो यहाँ मैं आप यहाँ पर अपने शरीर पर छींटे डालूँगा और गंगा से स्नान करके फिर थोड़ा चलेंगे अब। तो जय माता दी, ये देख सकते हो यहाँ से पानी पियाओ, हर चीज़ की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टॉयलेट वगैरह हर चीज़ की समय समय और बहुत साफ सुथरा। गुफा के पास पहुँच चुका हूँ, 8 किलोमीटर। तो गाइस मैं अर्धकुमारी मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो। देखिए अर्धकुमारी मंदिर मेरे पीछे ही है, और ये पीछे क्या नज़ारा है ये देख सकते हैं। देखिए गाइस कितना जबरदस्त सीन है। तो आप देख सकते हो गाइस ये अर्धकुमारी मंदिर के सामने ही जस्ट खाने का है, ये देखिए खाने पीने का यहाँ पे स्टॉल है। और ये अर्धकुमारी मंदिर है, और एक बार मैं आपको नीचे का और दृश्य दिखा दूं। ये देखिए मुझे 2 घंटे हो गए, 1 बजे चढ़ा था, चलना 1 बजे चालू गया था, 3 बज चुके हैं अर्धकुमारी। 2 घंटे में मैं अर्धकुमारी मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। तो आप देख सकते हो अर्धकुमारी मंदिर के पीछे ही मैं हूं, ये देखिए पीछे। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे अर्धकुमारी मंदिर है, ये देखिए। तो अर्धकुमारी मंदिर के पास मैं पहुंच चुका हूं, और बारिश भी हो रही है बड़ी जमा के, बवाल भी हो रहा है। तो गाइस फाइनली मैं देख सकते हो आप अर्धकुमारी मंदिर में पहुंच चुका हूं। तो आप ये देख सकते हो यहां पे ये गुफा की ओर जाने का रास्ता, ये आप सामने देख सकते हो। यहां पे ये जितने भी श्रद्धालु आप सामने देख रहे हो, ये नंबर वाइज से ही टोकन मिलता है यहां पे, उस हिसाब से यहां से अर्धकुमारी गुफा जाते हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हर चीज़ की डोमिनी है, मैगडी, हर चीज़ की सुविधा है, बेकन एयर, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से 5 स्टार से 5 स्टार हर तरह का यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे पानी पीना, चार्जिंग पॉइंट, हर चीज़ की सुविधा। आपको चार्जिंग पॉइंट दिखाता हूँ, ये देखिए आप अपना चार्जिंग अपने मोबाइल के वहीं सामने खड़े होकर अपना करा सकते हैं, करके अपने और आगे की और यात्रा चालू कीजिए। और आपको चारों ओर दिखा दूँ, यहाँ पर सामने टोकन मिलता है यात्रा ये अंदर अर्धकुमारी गुफा के लिए। और आप ये देख सकते हो, जाते जाते मैं लास्ट बार आपको दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे पहले से बहुत अच्छा बन चुका है, मैं पहली बार आया था और इतना खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया। और ये सामने आपको यहाँ से पीछे की ओर वैष्णोदेवी माता मंदिर जाने का रास्ता है। तो आपको मैं चलते हैं आगे यात्रा की ओर चलते हैं। तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ, और कोई भी नया व्यक्ति कितना भी कोई हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सामने देख सकते हो माता मंदिर के लिए जाने का रास्ता है, और ये सामने आप देख रहे हो ये हम पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी मंदिर। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फटाफट चलेंगे यहाँ से, शाम का वक्त हो चुका है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय
माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलके बोलो, जय माता दी, बोलके बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर से पहले यहाँ पे आपका जो बैग वगैरह सामान वगैरह लगेज यहाँ पे भी लॉकर की सुविधा यहाँ पे लाइन लग के यहाँ पे लॉकर मिला जाता है। और अभी यहाँ पे नई ये जो बिल्डिंग बन रही है इसी के अंदर लॉक का सुविधा हर चीज़। और आप सामने देख सकते हो माता वैष्णो देवी मंदिर, ये देखिए कितने करीब से मैं दिखाता हूँ। और अभी हम ही इसी में ही जाएंगे और अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा और वीडियो यहाँ की बनानी है मुझे, यहाँ आपको टिकट पूरी डिटेल दे दूँगा अच्छे से कि यहाँ पे लॉकर वगैरह की सुविधा मिलती है। ये देख सकते हो लाइन लगी हुई है और ये अभी नया और बन रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सुविधा आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो रात में कितना माता रानी का कितना खूबसूरत चमत्कार, ये देखिए कितना बढ़िया चमक रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और मज़ा आ गया, मेरे तो बिल्कुल थकान मिट चुके हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद। एक जो राहत मिलती है ना बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत मज़ा आ गया। और कुछ मेरे साथ फैमिली वगैरह गई थी तो सबको देखते हुए चलना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये सारी लाइन है माता जी, क्योंकि मौसम ऐसा था और इस टाइम माता रानी सावन के महीने में बहुत ही भीड़ भाड़, ये देख सकते हो कितना ऐसे लाइन से चलना होता है। आप देख सकते हो माता रानी के दर्शन करने के लिए ऊपर नीचे चार तरफ लाइन लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी इस टाइम ठंड गर्मी दोनों मौसम बहुत बढ़िया रहता है। और ये कुछ लोग जब हो जाता है यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ पे लोग आराम करते बैठने उठने के, यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया यहाँ लेटने उठने का। और आपको मैं यहाँ से दर्शन करने बाद उन लोगों जो लोग दर्शन कर चुके हैं यहाँ से कंबल वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे पैसे जो सिक्योरिटी पे पैसे देके, और ये फ्री कंबल होता है अपने पास सिक्योरिटी लेते हैं ताकि, और सुबह 6 बजे यहाँ जमा करा देते हैं। और आप देख सकते हो कमरे रूम यहाँ पे सभी कंबल लेके, और जो भी अपने हिसाब से अपने अपने साथ भी कोई सामान लाए तो आराम से यहाँ अपने साथ कंबल वम्बल कुछ भी लाए तो वो भी अपना ओढ़ के यहाँ पे कहीं भी जाके सो सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा। तो गाइस सुबह का वक्त हो चुका है, रात भर मैं यहाँ पे रुका था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे वैष्णो देवी का ये पूरा दृश्य है, तो देख सकते हैं ये मॉर्निंग का समय सुबह का 7 बजे का। अब चलते हैं भैरव बाबा की तरफ, तो गाइस ये मॉर्निंग का समय और आप देख सकते हो कितने खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मैंने रात में माता रानी के दर्शन कर लिए थे, अब मैं भैरव बाबा की ओर जाऊंगा। और जिन लोगों को चलने में दिक्कत है यहाँ से उड़न खटोला भी जाता है, 100 रुपये लेता पर व्यक्ति। तो गाइस वैष्णो माता के दर्शन तो रात में कर लिए थे, अब सुबह का टाइम है तो अब हम नहा धो के अब तैयार होके भैरव बाबा मंदिर जा रहे हैं। और आपको मैं चढ़ाई, और अगर आपको उड़न खटोला जो होता है वो भी है देख सकते हो। और चलते हैं अभी भैरव बाबा मंदिर की ओर, तो माता के तो दर्शन कर लिया, भैरव बाबा के भी करने, तो चलते हैं। फुल मज़ा आ रखा है और मज़े चल रहे हैं भाई, थक गए, बुरी हालत हो गई है। भैरव बाबा मंदिर चल रहे और मेरा ये पठानी दोस्त विकास हालत डाउन है फिर भी चले जा रहे भाई। अभी तो भाई भैरव बाबा के दर्शन करने, जब भी पूरी यात्रा सफल होगी तो बने रहना भाई। तो आप देख सकते हो सूचना बोर्ड में 351 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हमें भैरव बाबा की ओर जाना है। और मैं फटाफट यहाँ से तय करूँगा, जल्दी जाऊँगा यहाँ से स्पीड में, और अपने दोस्त को सबको छोड़ता हुआ यहाँ से स्पीड में मैं देखना चाहता हूँ कितनी जल्दी वहाँ पर ऊपर पहुँचाऊँ मैं। तो ये खड़ी चढ़ाई है जीने जीने की, 351 सीढ़ियाँ हैं और आप देख सकते हो ऊपर तक जाना है, और बहुत ही हालत डाउन हो चुकी है फिर भी मैं पीछे नहीं हटूँगा, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। तो जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लूँ जब तक मेरे को मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो गाइस भैरव मंदिर बाबा मंदिर पहुंच चुका हूँ, 351 सीढ़ी थी और आधे घंटे में तय किया, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे भैरव बाबा मंदिर। तो यहाँ पर आके एक अलग ही सुकून मिलता है, आप देख सकते हो ये सामने
लंगूर बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लंगूर किसी को परेशान नहीं करते, आप किसी को छेड़ोगे नहीं तो कोई आपको नहीं कुछ दिक्कत आएगी, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग का समय कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही मज़ा आ गया और भैरव बाबा के दर्शन कर लिए मैंने। और आप देख सकते हो कितना वादियों में वाव कितना नज़ारा बहुत अच्छा, और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब बैठ रहे। आपको नीचे हेलीपैड दिखाता हूँ अभी मैं, जो हेलीकॉप्टर का जो यहाँ पे है वो भी है, यहाँ पे तीन तीन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर तीन तीन है। और यहाँ पे सामने ही वो भैरव बाबा का मंदिर है और आप यहाँ पे देख सकते हो सारे बैठे हुए आराम से, यहाँ पे दर्शन करने के बाद आराम करते हैं यहाँ से और फिर अपने जाने चलते हैं फिर वापस घर की ओर। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना मोर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बादलों में हूँ मैं और बिल्कुल करीब से हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा। सब यहाँ पे सेल्फी वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो आप नीचे हेलीपैड, तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे तीन तीन हेलीपैड है हर, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अभी हमें इतने ऊपर से नीचे भी और जाना है, तो बहुत मज़ा आ गया मेरे को तो यहाँ पे दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा माता वैष्णो देवी के। और यहाँ से मैंने भभूति ले ली घर की और घर के लिए, तो आप भैरव बाबा की यहाँ से भभूति लेके अपना घर की ओर रवाना हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये पीछे के पीछे जाने का रास्ता है और सबसे बढ़िया बात है कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत हर चीज़ की सुविधा है, खाने पीने की हर चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत साफ़ सफाई का ध्यान है, टॉयलेट वगैरह हर चीज़ बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके और मज़ा आ गया मेरे को। तो आप देख सकते हो जाते जाते मैं आपको भैरव बाबा के एक बार और दर्शन करा दूँ, तो आप देख सको कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का वादियों में बिल्कुल, और नीचे हमारी माता वैष्णो देवी मंदिर है, देखिए कितना खूबसूरत है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव देव के भी दर्शन करें तभी। तो गाइस वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लिए हैं और भैरव बाबा जी के भी, अब दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और आपको दिखाते हैं जाते जाते, अभी हमें बहुत नीचे ही जाना है, देख सकते हो कितना नीचे जाना है, तो मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा कितनी जल्दी मैं पहुँचा हूँ। और गाइस मुझे वापस जाते समय ये हिरन, सबसे पहले मुझे ये हिरन दिखा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे और भी हिरन है पर अभी फ़िलहाल मुझे यही दिखा यहाँ पे, ये देख सकते हो आप हिरन, तो कैसे बेचारे जंगलों में रहते हैं। तो भाई आप देख सकते हो अभी हम वहाँ से इतने ऊपर से अभी नीचे आए हैं देखो, और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं ये देख सकते हो। अब गाइस हमने वैष्णो देवी माता के और भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं, देखिए अब घर की ओर रास्ता नापेंगे दिल्ली की ओर, अब चलने में तो मज़ा आ रहा है भाई नीचे उतरने में, सही है भाई जहर लग रहा है, चढ़ाई करने में भी मजा आया भाई, भाई नीचे जाना है फुल मजा आ रहा भाई, मजा आ गया इस मौसम में भाई, कभी भी आओ आना इसी मौसम में भाई, मजा आ गया ना ठंड ना गर्मी। आप देख सकते हो इतने ऊपर से आने के बाद माता के दर्शन करने के बाद ये वापस जाते समय ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बैठने को आराम करने को मिलता है, देखिए कितने। तो भाई जी देख सकते हो मेरे पीछे हेलीकॉप्टर, अभी आप देखिए हमें इतना नीचे जाना है, आप देखिए वहाँ पर स्टेशन है कटरा का वहाँ जाना है, अभी तो हम कुछ भी रास्ते नहीं उतरे हैं, उतरेंगे अब धीरे धीरे, तो चलते हैं जय माता दी। तो गाइस देख सकते हो आप वहाँ से चला था तो अब मैं यहाँ पे अर्थकुमारी मंदिर आ चुका है मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये देखिए, और अभी मुझे यहाँ से और 6 किलोमीटर और है नीचे कटरा, तो चलेंगे देख सकते हो जय माता दी। आप देख सकते हो अर्थकुमारी मंदिर से अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अभी यहाँ तक जाना है और ये आधे घंटे का रास्ता। यहाँ पे गाइस देख सकते हो गुलशन कुमार जी का यहाँ पे लंगर बढ़ता है, तो आपको मैं नीचे ले जाके दिखाता हूँ, गुलशन कुमार जी का यहाँ पे लंगर काफ़ी टाइम से शुरू से ही बट रहा है यहाँ पे,
और आराम से यहाँ पे जितने भी भक्त वगैरह आते हैं सब यहाँ पे खाना खाते हैं। ये देख सकते हैं सामने यहाँ लाइन लग रही है और यहाँ पे अंदर की ओर जाते हैं यहाँ से खाना खा के। यहाँ पे पानी पीने की हर चीज़ की सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लूट मार नहीं है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आ गया और गुलशन कुमार जी का भोजन भी करने को मिल गया मुझे यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत मज़ा आ गया मेरे को यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी। भाई मैं बाहर आ चुका हूँ दर्शन करके माता वैष्णो देवी मंदिर के। तो आप देख सकते हो ये बाहर किस तरह है, टेम्पो वगैरह रेलवे स्टेशन के लिए मिलती है कटरा के लिए। ये देखिए मैं इतना ऊपर से आया, ये देखो बादलों के कुछ इस तरह है, फुल मौसम बना हुआ है यहाँ पे। बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा आके, आप भी आना। तो गाइस मैं अपने घर दिल्ली से निकला था माता देवी वैष्णो कटरा। तो गाइस ब्लॉग बन चुका है पूरा और आप देखना जरूर, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और आप ये देख सकते हो पीछे कितना खूबसूरत है, इसी पहाड़ों के बीच में ही माता देवी वैष्णो मंदिर है। तो आप आना जरूर यहाँ पे और ये देख सकते हो। तो गाइस ब्लॉग को पूरा देखना। जय हिंद, जय माता दी।